नमस्कार दोस्तों, मैं रिस्क रिवार्ड की बात कर रहा हूँ। रिस्क और रिवार्ड क्या होता है कि कोई भी शेयर आप लिए हैं 100 रुपये का, उसमें हम कितना रिस्क लेंगे और कितना रिवार्ड लेंगे, यानी कितना हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे और कितना में हम अगर नुकसान होगा तो कितना में निकल जाएंगे। अगर कोई रिस्क रिवार्ड को समझ के ट्रेडिंग करे तो कभी भी उसे नुकसान नहीं होगा। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस हम पहले बताएं, दूसरा रिस्क और रिवार्ड। तो रिस्क मान के चलिए कि 100 रुपये का शेयर है। अगर आपका 100 रुपये का शेयर है तो आप क्या करोगे, 100 रुपये का शेयर है, आप मान के चलो कि 30 रुपया आप एक तरह से सोचो कि हम अगर 30 रुपया नुकसान हो जाएगा तो फिर भी मेरे पास बचेगा 70 रुपये। तो आप 30 रुपये का ऐसा लगाओगे, आप आपका जो रिस्क है 30 रुपये का है, आप क्या सोचोगे कि प्रॉफिट हम कहाँ तक लेंगे, प्रॉफिट हम लेंगे 50 रुपये का। तो 50 रुपये जो मेरा होगा ये होगा प्रॉफिट। तो हम 150 रुपया, अगर कोई 100 रुपया आपके पास है, अगर हम रिस्क लेंगे 30 रुपये तो लास्ट में हमारे पास फिर भी बचेगा 70 रुपये। और अगर हम रिवार्ड की बात करेंगे, प्रॉफिट का बात करेंगे, तो 100 रुपये का शेयर है, 50 रुपये का हम मान के चलिए प्रॉफिट लेंगे तो फिर भी मेरे पास बचेगा, फिर भी मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो विन विन सिचुएशन है। तो वहाँ पे 150 रुपये मेरे पास पॉकेट में होगा। तो इसी को रिस्क और रिवार्ड बोलते हैं। अगर कोई इस चीज़ को संभल के ट्रेडिंग करें, इस चीज़ को समझ के ट्रेडिंग करें कि भाई मेरा जो रिस्क है 30 रुपये का है, 20 रुपये का है, 10 रुपये का है, जो भी रिस्क है, तो अगर ये कोई चांद पहले से तय कर ले कि 70 रुपये का मेरा जो है हम लेके ही जाएंगे, 70 रुपये का, इससे ज़्यादा हम नुकसान नहीं सहेंगे, 30 रुपये का ही मेरा लॉस रहेगा, तो मार्केट में कभी भी लोग यहाँ से भागेगा नहीं। मार्केट में क्या होता है, NSE के जो अपना डाटा निकाला उसमें बताया गया है कि जो 99% जो ट्रेडर रहते हैं, 90% जो ट्रेडर रहते हैं, 90% से अबव भी जो ट्रेडर रहते हैं वो सारे लॉस में रहते हैं। तो वो लॉस में क्यों रहते हैं, क्योंकि रिस्क रिवार्ड को नहीं समझें, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को नहीं समझें। तो अगर कोई रिस्क रिवार्ड को ज़्यादा करके समझ ले तो उसे कभी भी नुकसान नहीं होगा, मार्केट में हमेशा सर्वाइव कर लेगा, मार्केट में हमेशा उसे बने रहेगा। लेकिन उसे सबसे पहली बात होगी उसे रेसिस्टेंस और रिस्क रिवार्ड के समझना होगा, रिस्क को समझना होगा, रिवार्ड को समझना होगा। तो रिस्क और रिवार्ड पे फोकस करना होगा। तो हमेशा आप अपना जो रिस्क है उसको पकड़ के चलिए। रिस्क आपका 30 रुपये का रहेगा, कोई भी शेयर आप ले रहे हैं तो आप पहले से तैयारी कर लो, पहले से ये मान लो कि कितना मेरा रिस्क रहेगा। तो रिस्क रहेगा मेरा 30 रुपये का, प्रॉफिट मेरा कितना रहेगा, प्रॉफिट रहेगा 50 रुपये का। तो ये पहले से आपको तय कर लेना, और ये पहले आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, आपके सिस्टम में फिट होना चाहिए कि अगर हम 30 रुपये अगर आ गया, मेरा जो लॉस जो है वो मेरा 30 रुपये का है, उससे ज़्यादा हम लॉस नहीं सहेंगे। होता क्या है कि जैसे आप 100 रुपये का शेयर लिए तो वो पहले 20 रुपये होता है, फिर चलो 30 रुपये होता है, फिर आप सोचते चलो ठीक है 30 रुपये हो गया, 40 रुपये होता है, चलो ठीक है फिर 40 रुपये भी सह लेता है लोग, फिर चल फिर बोलता है चलो 50 रुपये हो गया, आधा हो गया, फिर लोग सोचता है चलो ठीक है 50 हो गया, 60 हो गया, 50 के बाद फिर 40 हो गया, 30 हो गया। तो इससे क्या होता है, एक समय ऐसा आता है लोग जब उसका कैपिटल पूरा जीरो हो जाता है, फिर लोग सोच ही छोड़ ही देता है कि चलो ठीक है अब जो होगा होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, गिरेगा तो गिरेगा। ये टेंडेंसी जो है मार्केट से आपको बाहर कर देगी। अगर मार्केट में बने रहना है तो आपको पहले से SL तय कर लेना होगा, अपना रिस्क समझ लेना होगा। आपका जो रिस्क है 30 रुपये का है तो वो रिस्क को पहले समझ लेना है, रिस्क को पहले से डिफाइन कर लेना है कि रिस्क मेरा इतना हम सहेंगे, इससे ज़्यादा रिस्क होगा हम नहीं सहेंगे। तो आप क्या होगा कि एक दिन नुकसान हो गया, कल आप फिर प्रॉफिट में आएंगे, परसों आएंगे, नर्सों आएंगे, लेकिन आएंगे। ऐसा नहीं कि हर रोज़ लॉस ही होगा, हर रोज़ प्रॉफिट ही होगा, ये ट्रेडर का ये बिहेवियर होता है। तो आप उस तरह से रिस्क को पहले से डिफाइन कर लिया जाए, रिवार्ड आप पहले से सोच लीजिए कि 50 रुपये का मेरा पहले प्रॉफिट होगा तो 50 रुपये का हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 50 रुपये आ रहा है अब हम सोचेंगे 60 रुपये आएगा, फिर
70 रुपये आएगा फिर सब, तो उस चक्कर में क्या होता है फिर वो नीचे भी आ जाता है। तो आप जो है पहले से ये डिफाइन आपको कर लेना है कि रिस्क मेरा क्या है, रिवार्ड मेरा क्या है। रिस्क मेरा 100 रुपये का शेयर है तो 30 रुपये का मेरा रिस्क है, तो हम 70 रुपये कम से कम लेके तो जाएंगे। रिवार्ड कितना है, अगर 100 रुपये लगाएँ 50 रुपये मेरा प्रॉफिट होना है, रिवार्ड मेरा 50 रुपये रहेगा, तो कम से कम 50 रुपये हम लेके जाएंगे। तो इसी को रिस्क और रिवार्ड बोलते हैं। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी इसको साथ ही साथ फॉलो करना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है कोई भी शेयर का। तो ये चीज़ हम बता चुके हैं कि सपोर्ट आप अगर 90 रुपये का शेयर है तो 90 रुपये से नीचे आपको नहीं जाना है, 90 रुपये में निकल जाना है। रेसिस्टेंस आपको मान लीजिए 100 रुपये का शेयर, 110 का रेसिस्टेंस है तो 110 रुपये में आपको निकल जाना है, उससे ज़्यादा नहीं लालच करना है। तो ये सारा चीज़ अगर कोई दो चीज़ों को बात में ध्यान में रख ले, रेसिस्टेंस, सपोर्ट और रिस्क और रिवार्ड, तो उसे कभी भी शेयर मार्केट में नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।